थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं गंगा में स्नान कराते, अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नर्क में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही, सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम। तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, बुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो, दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। लाख की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन लाख की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सर कर लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया।